जी स्कोरस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपकी स्क्रीन पे गिवन है विच इज इज हियर विच इज जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन हम किसी भी रॉ स्कोर को जब जेड स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो जेड स्कोर किसी भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के जेड स्कोर से हम उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर दी हुई है कि आपका एक का स्कोर है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोरस है और उसमें आपका जो स्कोर है वो है हंड्रेड uh, ट्वेंटी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हंड्रेड है और डिविएशन टेन है तो हाउ आई विल नो कि व्हाट इज़ योर जी स्कोर आई विल पुट द वैल्यूज प्लग इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. आपका एक्स है 120. ट्वेंटी आपका मीन है हंड्रेड और आपका स्टैंडर्डियशन जो है वो है टेन uh, तो so, आपका जी स्कोर कैलकुलेट अगर मैंने करना है तो आपका जी स्कोर आ जाएगा 120 ट्वेंटी माइनस हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टेन विच इज़ इक्वल टू टू तो आपका जी स्कोर टू आ गया रिमेंबर कि हमने पिछली स्लाइड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था जिसके अंदर हमने साइंस भी जी स्कोरस के देखे थे और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देखी थी तो so अगर मैं वही डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जाके फाइंड आउट करना चाहूँ कि अगर मेरा जी स्कोर आपका टू आया है तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्लास में कहाँ पे है सो so, आपका जी स्कोर जो हमने कैलकुलेट किया है वो टू आ गया है जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन में हमें रॉ स्कोर पता था सो so, टू का मतलब है कि आप इस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लाई कर रहे हैं अब मैं आपकी एग्जैक्ट पोजिशन बता सकती हूँ कि आपके कितने परसेंट रो क्लास आपसे नीचे हैं और आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है सो विद द ज़ी स्कोर ऑफ़ टू जो हमने निकाला है इसका मतलब है कि ये सारी क्लास आपसे नीचे है और आपसे ये वाले लोग ऊपर मार्क कर रहे हैं अब अगर मैंने गिनने कि इसकी प्रॉबिलिटी कितनी है या कितने परसेंट लोग हैं तो आई नो कि आपका ये नॉर्मल कवर है जिसका 50 परसेंट एरिया इधर है और 50 परसेंट एरिया इधर है सो दिस एरिया इज़ 50 परसेंट आपका ये वाला एरिया अब 50 परसेंट में आई विल एड अदर दिस वन एरिया जो कि बनता है पॉइंट थ्री फोर प्लस पॉइंट वन थ्री फाइव नाइन तो अगर मैं इन सबको जमा करूंगी तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू Uh, कितना बन जाएगा थर्टी फोर प्लस फोर्टीन कर दें चलें ऑलमोस्ट नाइन्टी एट परसेंट बन जाएगा सो so ये फिफ्टी परसेंट आपका है ये आपका थर्टी फोर प्लस थर्टीन या फोर्टीन परसेंट अगर हम करें तो वो बन जाता है फोर्टी एट परसेंट सो फिफ्टी प्लस फोर्टी एट इज इक्वल टू नाइन्टी एट सो नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द क्लास आपसे नीचे है और आपकी लोकेशन यहाँ पे सो दिस इज़ हाउ वी विद द हेल्प ऑफ जी स्कोर कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी स्कोर और एनी इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह अगर हम लेट्स प्रैक्टिस वन और टू मोर कि कितने ये इंपॉर्टेंट हैं जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर हम खाली मीन और स्टैंडर्ड एवियेशन के साथ इंफॉर्मेशन के साथ मूव करें तो मे बी वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इनफ ना हो to find out the standing of any particular score or individual in a given distribution for instance samne ka score diya first current score and test 76 class mean has 70 or standard deviation at 3 let's calculate the z-score for it which is equal to x minus mean divided by standard deviation it will be equal to 76 minus 70 is 6 6 divided by 3 is equal to 2 तो आपका जी स्कोर है टू इसी तरह अगर मैं इसका जी कैलकुलेट करूँगी तो आपका स्कोर सेवेंटी सिक्स ही है आपका मीन सेवेंटी है लेकिन आपकी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन ट्वेल्व है अब सिक्स डिवाइडेड बाय ट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव राइट अब अगर इन दोनों जी स्कोरस को देखें तो अब मैं इसको प्लॉट किए है यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन में स्कोर्स इस तरह से है और इस इंडिविजुअल की रिलेटिव स्टैंडिंग यहाँ पे बन रही है और जहाँ पे इसका टू स्टैंडर्ड डिवीजन जो पीछे हमने कैलकुलेट किया है कि ऑलमोस्ट 98 ऑफ द क्लास आपसे नीचे है इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो आप एक हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर हैं यानी यू आर एट द टॉप ऑफ द क्लास विद दिस फैक्ट्स और दिस दिज नंबर्स जबकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप बिल्कुल क्लोज टू एवरेज हैं आपका स्कोर सो दिस इज हाउ जी स्कोर आर इम्पोर्टेंट इंड द ऑल्सो Uh, जैसा हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं फर्स्ट करें आप रिसर्च कर रहे होते हैं और आप रिसर्च में आपने डिफरेंट uh, वेरिएबल्स के ऊपर डेटा लिया हुआ है आपका मोटिवेशन uh, के ऊपर पांच क्वेश्चंस हैं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आप मेयर कर रहे हैं उसके दस क्वेश्चंस हैं आप एक और स्टडी uh, कर रहे हैं वेल well बींग का फैक्टर उसके ट्वेंटी क्वेश्चन हैं सो so, वो स्कोर अगर आप मीन निकालते हैं तो वो कम्पेयरेबल एज सच नहीं होती और वो रीडर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है टू कोप अप विद सो हम यूजली ये करते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड जेड स्कोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो डायरेक्टली कंपेरेबल हो जाए कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट कंस्ट्रक्ट के ऊपर परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है